नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड ट्रेनर वीर और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने को डॉग कहाँ से खरीदना चाहिए। पप्पी अगर अपने घर के लिए पप्पी खरीद रहे हैं तो वो पप्पी अपने को कहाँ से खरीदना चाहिए, मतलब तीन जगह से अपन पप्पी खरीद सकते हैं, ब्रीडर से, पेट शॉप से और किसी के घर में किसी फीमेल ने बच्चे दिए उसके घर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को और एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस वीडियो में कि भाई अपने को सही पप्पी कौन सी जगह पे मिलेगा। चलो तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं पेट शॉप की। अगर अपन पेट शॉप पर पप्पी खरीदते हैं ना, अपने उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि वहाँ पर रहते हैं बहुत ज़्यादा पप्पी एक साथ रहते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हर एक पेट शॉप वाले का फार्म है वो प्रॉपर तरीके से ब्रीड करवाता है, वो तो कहीं ना कहीं से सस्ता पप्पी मिलता है उसको वहीं से खरीद के लेके आएगा, वो पूरा लीटर खरीदते हैं वहाँ से, फिर वो एक एक करके पप्पी बेचते हैं, तो उसमें वो अपना खुद का भी तो कमीशन निकालना चाहते हैं कि भाई उसमें खुद का भी फ़ायदा हो। वो अगर लीटर खरीदते हैं, अगर नॉर्मल अपन बात करते हैं 10-10 हज़ार में कोई बच्चा खरीदते हैं तो फिर वो उसमें अपना ऐड करके 5-5 हज़ार और ऐड कर लो 15-15 हज़ार का वो बेचते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खुद अपने को सस्ता पप्पी दे देंगे। तो वो सबसे एक तो वो महंगा पप्पी देंगे अपने को, दूसरी बात वहाँ से अगर अपन पेट शॉप से पप्पी खरीदते हैं तो उसमें अपने को एक नुकसान ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा पप्पी रहते हैं एक साथ, और एक साथ पप्पी रहते हैं तो उसमें क्या है कि बीमार होने के चांस, अगर एक भी पप्पी बीमार है तो वो सारे पप्पी पेट शॉप में वो बीमार हो जाते हैं, और होता क्या है कि अपन जैसे पेट शॉप से पप्पी लेके आते हैं वो दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाता है, उल्टी दस्त करने लग जाता है, फिर बच्चा खत्म हो जाता है। वही बात मैं पिछले वीडियो में भी मैं बताया है कि 60% बच्चे जो होते हैं वो इतने 60% जो बच्चे हैं वो 3 महीने से पहले पहले एक्सपायर कर जाते हैं। यही वजह है कि अपन किसी पेट शॉप से पप्पी खरीद के लाते हैं तो वो हो जाता है, एक्सपायर कर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या उनकी प्रॉपर डिवोर्निंग नहीं होती है, कौन से अपने को माँ बाप दिखाते हैं, कौन से वो बच्चा अपने को देते हैं। ये कोबरा चौक ब्रीड है, कोबरा बहुत नोटी है, अभी नीचे छोड़ते ही इतनी भाग दौड़ करता है पूछो मत। चलो अपन अब बता दूँ पेट शॉप से, एक दूसरी बात अपने को ये भी है कि उनका कोई अपने को पता नहीं रहता इतना प्रॉपर कि उसके मदर फादर क्या है, उसको इंजेक्शन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, उनकी डिवोर्निंग प्रॉपर हुई हुई है कि नहीं हुई है, मदर फादर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं है। पेट शॉप वाले तो एक साथ ले आए अपने को दे दिया। दूसरी बात ये किसी के घर पे बच्चे होते हैं, जैसे किसी के घर पे बच्चे होते हैं, मैं उनके लिए भी सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से भी बच्चा ना लें। बहुत बार ये होता है कि आपने एक फीमेल ले ली, क्रॉस करवा ली, बहुत बार ऐसा मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जिसमें मदर फादर फीमेल किसी ब्रीड की है, दूसरे ब्रीड से क्रॉस हो गए, वो बच्चे एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, उनको पता नहीं होता है, अपने नए कस्टमर होते हैं, अपन वहाँ से बच्चा खरीद लेते हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखें कि आप वहाँ से भी, और उनका क्या होता है पेट शॉप वाला जो घर में ब्रीड होती है उसका बस ये तो है कि उसका वैक्सीन वगैरह सही लगा हुआ होता है, लेकिन उनमें वो ज़्यादातर क्रॉस हो जाती हैं, वो ब्रीड जो एक दो ब्रीड रखते हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। हाँ बहुत अच्छे कोई केयर करने वाले हैं वो तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन नॉर्मल जो मैंने देखे हैं केस ऐसे उनमें यही देखा है कि वो क्रॉस ब्रीड हो जाती है, गली में लेके गए बाहर खेल रहे हैं क्रॉस हो गए, एक दो बच्चा जैसा उसके ऊपर आ गया वो अपने को बेच दिया सस्ते में दे दिया। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ब्रीडर से बच्चा खरीदें, ब्रीडर जेन्युइन ब्रीडर से खरीदें, जो पप्पी मिलर हैं उनसे ना खरीदें। अब जो एक प्रोफेशनल एक ब्रीड के हर एक ब्रीड के इंडिया में अपने प्रोफेशनल ब्रीडर हैं, ऐसा नहीं है, कम से कम 40-50 ब्रीडें देख ली मैंने इंडिया के अंदर, सब के प्रोफेशनल ब्रीडर मिल जाएंगे आपको, तो आप एक प्रोफेशनल ब्रीडर से खरीदें बच्चा। वो इसलिए कि प्रोफेशनल ब्रीडर उसका काम ही यही है कि उसका काम ये है वो ब्रीड करवाना, बच्चा बेचना, उसका बिजनेस ही यही है, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, हर एक उसका प्रॉपर मदर फादर की वैक्सीन का ध्यान रखेगा, उसको कौन से मेल से मेट करवाना है, आगे अगर आप कहीं शो ग्राउंड में भी लेके जाओगे तो भी उसको पेपर प्रॉपर अप्लाई करना, क्योंकि पेपर इसलिए प्रॉपर अप्लाई करते हैं वो, और पेपर भी अप्लाई नहीं करेंगे वो बच्चा उसको वो अच्छा देंगे अपने को, क्योंकि बच्चा अगर उसको पता है, अगर बच्चा बीमार अगर दिया अपना मार्केट खराब हुआ कहीं भी पोस्ट डाल दी तो उसकी तो बेइज्जती हो जाती है, तो इस वजह से आया। और दूसरी बात वो एक प्रॉपर तरीके से उस बच्चों की देख रेख करता है, उसको पता रहता है कि किस टाइम बच्चे को क्या देना, तो आप
ब्रीडर से बच्चा खरीदते हैं, एक जेन्युइन ब्रीडर से, अच्छे ब्रीडर से बच्चा खरीदते हैं, तो आपको वो पूरा गाइड करते रहेंगे। वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि भाई अपने को बच्चा, बच्चे को किस टाइप, बहुत बार ऐसा होता है बच्चा अगर आप लेके गए और एक अच्छा ब्रीडर होता है वो जाते ही आपके पास बीमार होगा तो वो ये बोलता है कि बच्चा वापस दे जाओ, आप मैं ठीक कर दूंगा, या फिर वो आपने इतने पैसे दिए हैं मेरे को रिटर्न कर दो। जेन्युइन ब्रीडर होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसे होता है ना कि भाई किसी ने ऐसे ब्रीड कर लिया। और आप दूसरी बात, आप बच्चा खरीदे ना तो अपने आसपास के ब्रीडर से खरीदे, ऐसे नहीं है कि आप बैठे चेन्नई में हो बच्चा खरीद रहे हो जम्मू कश्मीर से, ऐसा नहीं है। आप वहाँ से तक आप ना तो जा सकते हो ना बच्चा ला सकते हो, अपने आसपास ही ब्रीडर बहुत हैं। अगर आप मेरे को कहीं भी, कहीं से भी, इंडिया के अंदर कहीं से भी वीडियो देख रहे हो आप, मैं प्रॉपर इंडिया के अंदर हर स्टेट क्या, हर डिस्ट्रिक्ट के ब्रीडर का नंबर मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। मैं नीचे मेरे इंस्टाग्राम लिंक डालूंगा, आप जिस भी ब्रीडर को, जिस भी ब्रीडर के, जिस भी ब्रीड के आपको बच्चे चुने, इधर कॉकर स्पेनल है तीन, वो ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भोंक रहे हैं, देख के। हाँ, तो जिस भी स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, और मैं व्हाट्सएप नंबर भी ज़्यादातर मैं डालता ही रहता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी मेरे को मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप मेरे को मैसेज कर दो कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से, इस स्टेट से हैं, और हमें हमारे आसपास के लोकल ब्रीडर के, किसी के अच्छे ब्रीडर के वो बताओ डिटेल, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा अच्छे ब्रीडर के, वहीं आपके आसपास में लोकल में। तो आप जहाँ तक हो सके आप ब्रीडर से ही बच्चा खरीदें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, और जल्दी ही अपना 10,000 की जो यूट्यूब फैमिली है वो पूरी होने वाली है। 10,000 की जैसे अपनी यूट्यूब फैमिली होती है, एक अच्छा सा बच्चा फ्री में मैं दूंगा उसके लिए आपको कमेंट, मैं गिव अवे का एक अलग से वीडियो डालूंगा कि आपको उसके लिए क्या क्या कंडीशन मैं वो पूरी करनी है। आपको बच्चा डिलीवर मैं नहीं कर सकता, जहाँ तक होगा मैं मेरे लोकल का ही डिलीवरी भी नहीं करूँगा तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा, आप वहीं से अपने आसपास से बच्चा खरीद लें अगर आप इच्छुक हैं बच्चा खरीदने के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है तो वो दबा के रखें, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पेट केयर के इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।